हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है वो हम लोग को जो देखना है वो है मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन? चल रहा था हम लोग कंसंट्रेशन निकालने की, ढेर सारे तरीके पढ़ लिए थे। जैसे इसके प्रीवियस लेक्चर में मोलैरिटी हुआ है, उसके पहले हुआ था मोलैरिटी, और आज पढ़ना है हमको मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले, मोल तो आप जान रहे हैं क्या होता है, बट ये फ्रैक्शन क्या है वो जानना जरूरी है कि ये फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब है हिस्सा, पार्ट। किसी चीज में आपका कितना हिस्सा है, आपका कितना पार्ट है। जैसे रामलीला हो रहा है तो रामलीला में सब लोग अपना अपना कैरेक्टर कर रहे हैं, आपका क्या पार्ट है, आपका उसमें क्या हिस्सा है, उसमें आपकी क्या हिस्सेदारी है, उस नाटक में आपकी क्या हिस्सेदारी है, वही होता है एक तरह का फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए, और सिंपल वे में अगर हम आए तो मान लीजिए ये एक घर है। क्या है? घर है। और इस घर में चार रूम है। क्या है? एक घर है और घर में कितने रूम है? 1 2 3 4 चार रूम है, चार लोग रहने वाले हैं। एक ए रहता है, एक जगह बी रहता है, एक जगह सी रहता है और एक जगह डी रहता है। ये है चारों का घर, बट इनके हिस्से में कितना कमरा आया है? ए के हिस्से में एक आया है, बी के हिस्से में भी एक आया है, सी के हिस्से में भी एक आया है और डी के भी हिस्से में एक आया है। लेकिन टोटल कितना कमरा था? कितना कमरा था टोटल? तो चार कमरा था। कितना कमरा था टोटल? चार। लेकिन किसके कितने हिस्से में आया है यह जानना जरूरी है कि किसका कितना फ्रैक्शन है उसमें। तो ए का अगर पूछा जाए कि ए का हिस्सा कितना है इस घर में, तो आप कहेंगे 1/4 या 1/4। मतलब चार रूम था बट एक के पास कितना है? एक है, तो ए का हिस्सा हो गया 1/4। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि इस घर में बी का कितना हिस्सा है, तो बी का भी कितना है? 1/4। चार रूम थे बट बी को कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक रूम। इसी तरह अगर पूछा जाए सी का हिस्सा कितना है, तो भी 1/4, और डी का कितना है, तो भी 1/4। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, अब मानना नहीं, ज्यादा माने की गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो एक चार रूम का घर था, उस चार रूम में ए का कितना हिस्सा है, उस घर में ए का कितना हिस्सा है? तो एक रूम है उसके 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 हिस्से में कितना रूम है? एक। कितने में? चार में। चार में उसका कितना है? एक। सी का कितना हिस्सा है? एक। कितने में है? तो चार में, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि मैं एक एक्टर हूं। क्या हूं? एक्टर हूं। मानना नहीं है, हूं, ठीक है, एक एक्टर हूं। और मान लीजिए कोई तुमसे, मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि मान लीजिए मेरी एक मूवी बनी है, वो कितने घंटे की है? 3 घंटे की है। 3 घंटे मतलब कितना मिनट हो जाएगा? 180 मिनट की मूवी है। कोई पूछे कि तुम उसमें कितने देर दिखाई दियो, हीरो हो तुम, कितना देर दिखाई दियो? तो मान लीजिए आप कहेंगे 10 मिनट दिखाई दिए हैं। तो 10 मिनट हम दिखाई दिए हैं कितने में? 180 मिनट में। टोटल कितने मिनट की मूवी थी? 180 मिनट की थी। कितना मिनट हम दिखाई दिए? 10। तो मेरा जो हिस्सा है उस मूवी में कितना है? 10/180 या 0.0 कट या तो 1/18 का, ठीक है। तो यही होता है हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी कितनी साझेदारी है, आपका कितना हिस्सा है, ठीक है। तो चीजें क्लियर है। चार रूम का एक तो घर था, तो ए का कितना हिस्सा है? 1/4 टोटल कितना रूम है उसमें? 4, ठीक है। एक चीज और, जितना भी ये फ्रैक्शन निकलता है, इन फ्रैक्शन को आप जब सम करेंगे तो आता है 1। क्या आता है? 1। जैसे चार लोग थे, चारों के हिस्से में आया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। आप टोटल अगर इसको सम कर देंगे तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 4। 1+1+1+1, ऊपर भी 4, नीचे भी 4, कट के आ गया सब 1, ठीक है। जितना भी मोल फ्रैक्शन होगा, जितना भी हिस्सा लगेगा, टोटल ऐड करने पे कितना आएगा? 1। तो इतना होने के बाद आइए अब देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन है क्या।
तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सोल्यूशन बना हुआ है, सोल्यूशन बना है, तो सोल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट जिसको मिलाया जा रहा है और सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो सोल्यूट लिए और सॉल्वेंट लिए और एक सोल्यूशन को क्या कर दिए, बना दिए। अब अगर हम कहें कि उसमें पूछा जाए कि सोल्यूट का कितना हिस्सा है सोल्यूशन में और सॉल्वेंट का हिस्सा कितना है सोल्यूशन में, सॉल्यूट लिए सॉल्वेंट लिए दोनों को मिक्स कर दिए तो बन गया सॉल्यूशन, पानी लिए चीनी लिए दोनों को मिक्स कर दिए बन गया शरबत। अब आपसे पूछा जाए कि उस शरबत में चीनी का कितना हिस्सा है और पानी का कितना हिस्सा है, तो आप क्या करेंगे, टोटल वेट जो होगा पहले देख लेंगे टोटल वेट कितना है, अब उसके बाद चीनी कितना डाले थे, तो चीनी का वेट ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल वेट, सॉल्यूशन का कितना वेट है। अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो सिर्फ प्योर पानी ऊपर डिवाइड बाई टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना है, तो ऐसे निकल जाएगा कि सॉल्यूट का कितना हिस्सा था और सॉल्वेंट का हिस्सा कितना था। तो ठीक मोल फ्रैक्शन में भी वही होता है कि इफ इन ए सॉल्यूशन n1 स्मॉल n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बना है जिसमें n1 जो है वो मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और n2 जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कहा जाए कि इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट का कितना हिस्सा है उस सॉल्यूशन में, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, पहले सॉल्यूट का कितना मोल हम मिला रहे हैं, तो कितना मोल मिला है सॉल्यूट का, n1, तो ऊपर जो आ गया वो हो गया n1 डिवाइडेड बाई कितना टोटल कितना सॉल्यूशन बना है, तो किसको किसको मिला के सॉल्यूशन बना है, n1 और n2, तो नीचे लिख सकते हैं n1 प्लस n2, क्लियर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा तो सॉल्यूट का मोल ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल n1 प्लस n2। जैसे एक घर था, एक घर में a का कितना रूम था, तो एक जितना भी रूम था ऊपर लिखिए और टोटल कितने रूम थे नीचे लिखिए। तो इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं कि ऊपर हम क्या लिखे हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट का पूछ रहा है, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल या टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन को जो एक सिंबल है डिनोट करते हैं एक बड़ा सा एक्स और इसको बोलते हैं चाई, क्या बोलते हैं चाई, ठीक है। स्पेलिंग कहीं कहीं लिखा होता है CHE और कहीं कहीं देखने में आता है CHAE CHAI, चाई, ठीक है, बोलते चाई है, ठीक है। बड़ा एक्स है रिप्रेजेंट करने का तरीका और बोलते चाई है। तो अब अगर आपसे पूछे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया और अब आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन आप बताइए सॉल्वेंट का कितना होगा, अब किसका पूछ रहा है, दूसरे वाले का, कि सॉल्वेंट का कितना उस सॉल्यूशन में हिस्सा है, तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर, सॉल्वेंट का मोल किससे रिप्रेजेंट कर रहा है n2 से, तो ऊपर आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय फिर टोटल मतलब n1 प्लस n2, इसको भी लिख सकते हैं ऊपर क्या है मोल ऑफ, ऊपर इस बार रखें सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यही निकालने का तरीका है कि कोई मान लीजिए सॉल्यूशन बना और उसमें 10 लोग हैं, ABCDEFGHIJK करके खूब ज्यादा लोग हैं, और आपसे पूछ दे कि सबका कितना कितना हिस्सा है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का कितना है, तो जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसका मोल, सॉल्यूट का पूछ रहा है तो सॉल्यूट का मोल ऊपर रखिएगा और नीचे जितने लोग उसमें मिले हुए हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए सबको मिला दीजिए, सबको ऐड करके लिख दीजिए। अब अगर पूछे सॉल्वेंट का कितना मोल है, तो सॉल्वेंट का मोल ऊपर रखिए, नीचे जितने लोग भी उसमें सॉल्यूशन में मिले बनाने के लिए नीचे रख दीजिए, ठीक है। जैसे चार रूम था, चार रूम में पूछा गया सी का कितना हिस्सा है, तो सी का पूछ रहा है तो सी का कितना हिस्सा था, वहां पे एक था एक रूम था, तो एक ऊपर लिखिए डिवाइडेड बाई टोटल सबके रूम को ऐड कर दीजिए 1 2 3 4, तो नीचे हो गया 4, ठीक है। अभी 2-4 क्वेश्चन होगा, इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। एक चीज और देख लीजिए,
इसको लिखने का तरीका और है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, chi रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का, तो लिख लीजिए ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? एक चीज और, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आता है, 1। किसी का भी मोल फ्रैक्शन आया, सारे फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आएगा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि x सॉल्यूट प्लस chi मतलब वही x सॉल्वेंट इक्वल टू क्या आता है, 1। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ये सॉल्यूशन कंटेन 7 ग्राम ऑफ N मतलब नाइट्रोजन डिसॉल्व इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O, फाइंड आउट फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, दोनों कंपोनेंट मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन पता करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या पहले से दोनों का मोल दिया है? नहीं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों का मोल निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन में दोनों का मोल निकाल लीजिए, तो पहले निकाल लेते हैं मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो उसका वेट कितना दिया है, 7 ग्राम। नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है, 14, मतलब ये आएगा 0.5। ठीक है, इसी तरीके से मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट दिया है 8 डिवाइड बाई इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, तो इसका भी कितना आ गया, 0.5। ठीक है, दोनों का मोल आ गया 0.5 मोल 0.5 मोल। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन का निकालना है मोल फ्रैक्शन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिला के एक सॉल्यूशन बना। अब उसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का हिस्सा कितना है, तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो फॉर्मूला आपको पता है कि ऊपर क्या रखेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन और डिवाइडेड बाई टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना आया है, 0.5, तो यहां आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जितने लोग टोटल मिलाए गए तो सबका टोटल मोल, तो नाइट्रोजन का तो 0.5 है ही, प्लस ऑक्सीजन का भी कितना है, 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और ऊपर आ गया फिर 0.5। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आप लिख सकते हैं इस तरीके से, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 0.5। अब दूसरे क्या निकालना है हमको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का निकालना था तो दोनों का भी देख लेते हैं, तो उसका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन ऊपर हो गया डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी मोल कितना है, 0.5 है, और इन दोनों का भी, दोनों का कितना है, 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू ये भी आ गया 0.5। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी कितना है, 0.5। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया हमको, निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, चाहे एन भी 0.5 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी 0.5 है। इसके पहले बताया था कि दोनों का जो मोल फ्रैक्शन आता है सम करने पे क्या आता है, हमेशा 1 आता है। देखिए, इसका भी मोल फ्रैक्शन प्लस इसका मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे, सॉल्यूट या सॉल्वेंट मतलब जिसको मिला है नाइट्रोजन मिल रहा है ऑक्सीजन में, तो नाइट्रोजन सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करने पे मोल फ्रैक्शन का सम कितना आ रहा है, 1, हमेशा 1 आता है। तो एक सिंपल तरीका है निकालने का कि जब मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकल जाए, नाइट्रोजन का जैसे निकल गया था 0.5, तो आप जरूरी नहीं कि फिर इतना बड़ा करके निकालिए, आप सीधे लिख सकते हैं कि chi n और chi o इक्वल टू दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलता क्या आएगा, 1। एक का हम निकाल लिए थे कितना आया था, 0.5,
इसका नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, इक्वल टू वन। फिर चाई ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 0.5, और इसका भी आंसर कितना आता 0.5। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि किसी एक का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लिए, उसमें से सीधे वन में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और नहीं तो आपको अगर बड़ा करना है तो आप आराम से पूरा सुंदर सुंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छे पांच पांच मार्क्स का नंबर है तो अच्छे से करिए, और नहीं है एक दो मार्क्स का है तो आप वन सीधे माइनस करके आंसर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, टू 120 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड H2O। कह रहा है कि मेथनॉल, मेथनॉल एक तरह का एल्कोहल होता है, एल्कोहल को पानी में मिलाया जा रहा है, क्या कह रहा है, पानी में मिलाया जा रहा है, तो एक सोल्यूशन बन रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन बताइए कि उस सोल्यूशन में मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या है, उसका कितना हिस्सा है और पानी का कितना हिस्सा है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, दोनों का मोल निकालते हैं। तो आइए निकालते हैं दोनों का मोल। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं, मोल ऑफ CH3OH मतलब मेथनॉल का, तो कितना इसका वेट दिया है, वेट दिया है 60 ग्राम, कितना दिया है 60 ग्राम, और नीचे रखना है इसका मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन 3 तो हो गया 12, 13, 14, 15, और एक 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया ऑक्सीजन 32, तो नीचे कितना आया 32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके पास 1.875, कितना आता है 1.875 मोल, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा मोल निकाले मतलब मोल ऑफ H2O का, पानी का मोल, तो पानी का जो वेट दिया है वो आपको दिया है 120 ग्राम डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिकुलर वेट, आप बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं 18 होता है, तो ये आता है 6.667 मोल, कितना मोल आ गया 6.667, और ये आ गया 1.875 मोल, ठीक है। दोनों का मोल निकल के आ गया, अब आपको क्या करना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अब शॉर्ट में लिखते हैं कि देख पहले निकालना है चाई मोल फ्रैक्शन ऑफ, निकाल लेते हैं CH3OH, ठीक है, मेथनॉल इक्वल टू, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल निकाल लें तो मेथनॉल का मोल कहां रखेंगे, ऊपर, तो ऊपर किसका मोल रखा रहा है, मोल ऑफ CH3OH प्लस दोनों का मोल, टोटल मोल मतलब मोल ऑफ CH3OH प्लस मोल ऑफ H2O। तो CH3OH का मोल कितना आया है, वो आया है 1.875 डिवाइडेड बाई टोटल मोल मतलब 1.875 प्लस कितना है 6.667, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो यही है 1.875, नीचे जो आता है वो हो जाता है टोटल करेंगे तो 8.542, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आता है मोल फ्रैक्शन 0.220, ठीक है, कितना आता है 0.220, ठीक है। मोल ऑफ CH3OH यहां लिखे, मोल ऑफ CH3OH प्लस मोल ऑफ H2O टोटल मोल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 8.542, इसको सॉल्व किए तो आया 0.220, ये आ गया मोल फ्रैक्शन किसका CH3OH का। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है H2O का, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मोल फ्रैक्शन अगर एक का निकल जाए तो दूसरे के लिए सीधे वन से क्या कर दीजिए उसको माइनस कर दीजिए। तो आई होप आप ये लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो उसकी शॉर्ट ले लीजिए और उसको करते हैं यहां से गायब, ठीक है। अब निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसका निकल गया दूसरे का निकालना है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो H2O हो जाएगा 1 माइनस इसका मोल फ्रैक्शन, टोटल कितना है 0.220, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.780, मतलब 0.780 ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ
टू होगा, ठीक है। तो किसी एक का जब मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो दूसरे के लिए सीधे उसको वन से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो एक का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.220 और दूसरे का आ गया 0.780, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 इन वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 10% मास बाय मास, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है ग्लूकोज और पानी को मिलाकर और उसको रिप्रेजेंट किया गया है 10% मास बाय मास से, और आपको बताना है ग्लूकोज और वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो जो प्रीवियस लेक्चर वो देखे होंगे उनको पता है कि 10% मास बाय मास का क्या मतलब है, 10% मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मींस इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, क्या है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनता है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आपके पास क्या है सॉल्यूशन है, और 100 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास 90 ग्राम ऑफ क्या बन जाएगा सॉल्वेंट, क्या बन जाएगा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट इसमें क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज को पानी में मिलाया जा रहा है, तो यहां पे ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट, मतलब C6H12O6 वाला ग्लूकोज हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, पानी जिसमें मिलाया जा रहा है, और दोनों को मिलाने पर निकला सॉल्यूशन। तो देखिए अब मोल फ्रैक्शन निकल सकता है क्योंकि अब हमको क्वेश्चन में वेट नहीं दिया था किसी चीज का, लेकिन अब पता चल गया कि 10 ग्राम सॉल्यूट मतलब 10 ग्राम ये है, 90 ग्राम ये है, और दोनों का क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले दोनों का क्या निकालना पड़ेगा मोल, तो आइए निकालते हैं मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ C6H12O6 इक्वल टू कितना वेट है इनका 10 ग्राम, 10 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट आता है वो आता है 180, कितना आता है 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0556 मोल, कितना आएगा 0.0556 मोल, ठीक है। उसके बाद निकालना पड़ेगा मोल ऑफ हमको वाटर, तो मोल ऑफ वाटर अगर निकाल लें तो मोल ऑफ वाटर मतलब मोल ऑफ H2O, तो मोल ऑफ वाटर मतलब वाटर का यहाँ पे कितना ग्राम था, तो है 90 ग्राम, कितना ग्राम है 90 डिवाइडेड बाई H2O का वो कितना होता है मॉलिकुलर वेट, वो होता है 18। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 आएगा, सीरियसली कितना आएगा 5.0 लिख सकते हैं या 5 मोल, ठीक है। तो दोनों का मोल निकल गया, गया मोल ऑफ वाटर भी मेरे पास आ गया और मोल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज का भी मोल आ गया, दोनों का मोल निकल गया। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसको रफ करें। तो अब मोल फ्रैक्शन अगर निकाले तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मतलब मोल किसका रखेंगे ऊपर, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का कितना मोल आया था क्या आपको याद है, तो वो आया था 0.0556, ठीक है। उसके बाद नीचे रखेंगे टोटल मोल मतलब इसका मोल प्लस H2O का मोल, इसका मोल प्लस H2O का मोल आया था 5.0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.0556 डिवाइडेड बाई 5.5556। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.011, कितना आता है 0.011, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 का मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब दूसरे का निकालना है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लिख सकते हैं सीधे 1 माइनस 0.011, ठीक है। तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.989, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आया वो आया 0.989
9, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O और ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ के मोल फ्रैक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, खत्म। मोल फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ यही है कि जिस चीज का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसका हिस्सा उस टोटल में कितना है, जिसका पूछेगा उसका मोल आप ऊपर रखिएगा, नीचे सब टोटल सबका मोल ऐड करके आपको नीचे रख देना और मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सॉल्व। तो इस पे और क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए खुद से, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट होता है तो मेल या फेसबुक पे आप कमेंट ये पूछ सकते हैं या इसी चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं क्या बनता है, इसके आगे जो भी होगा वो बनेगा, या कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं या कुछ मोलैरिटी मोलैरिटी के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। टिल देन गुड बाय।